हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जी के स्टडी पॉइंट में। दोस्तों हम यहाँ पे क्लोनाफिट टैबलेट के बारे में आज बताने वाले हैं आपको डिटेल अबाउट क्लोनाफिट को कैसे यूज करें, क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या प्रिकॉशंस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, डोजेस क्या है। दोस्तों ये सब हम जानेंगे आज इस सेशन में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को इसका डोज, जो डोज होता है दोस्तों एडल्ट यानी कि यंग लोगों के लिए होता है, जो दोस्तों 0.5 mg इसको 3 times दिया जा सकता है, सुबह दोपहर शाम एडल्ट के लिए। चिल्ड्रेन के लिए दोस्तों 0.02 mg पर kg पर डे दिया जाता है चिल्ड्रेन के लिए। अब इसका साइड इफेक्ट जान देते हैं दोस्तों। साइड इफेक्ट में दोस्तों स्लाइवेशन इंक्रीज हो जाता है, मतलब स्लाइवा बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है दोस्तों, टेम्पर हो जाता है, हेडक हो जाता है। स्लाइवेशन इंक्रीज का मतलब होता है जो दोस्तों लार होता है, लार का सेक्रेशन बढ़ जाता है। इरिटेबिलिटी का मतलब होता है इरिटेशन होना। टेम्पर का मतलब क्रोध और हेडक का मतलब सर दर्द। ये सब इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जान देते हैं। गाबा जो होता है गाबा इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, और गाबा यह एक केमिकल मैसेंजर है जो ब्रेन में एबनॉर्मल एक्सेस एक्टिविटी को कम करता है दोस्तों। जैसे ब्रेन में जो गाबा होता है उसको क्या करता है, इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, और केमिकल यह एक केमिकल के नेचर का होता है और क्या करता है, एबनॉर्मल और एक्सेस एक्टिविटी को कम करता है, जिससे क्या होता है राहत मिल जाती है। अब दोस्तों इसका यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसका इस टेबलेट का यूज किया जाता है चिंता में, नींद न आने पर यूज किया जाता है, ये एंटी एपिलेप्टिक यानी कि मिर्गी में यूज किया जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर कभी कभी बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर इन सब परेशानियों में यूज किया जाता है और भी।